मदर अर्थ का सबसे बेस्ट देन जो ह्यूमंस को दिया हुआ है वो वाटरफॉल होता है। कोयम्बटूर से कोबिकोट्टालम वाटरफॉल का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है, जिसको कवर करने के लिए हमें 1 आवर लगता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इस वक्त मैं हूँ कोबिकोट्टालम में, जो कि एक फेमस कोयम्बटूर का वाटरफॉल है, और इसकी जो एंट्री फी है वो रहती है 60 रुपीज़ पर पर्सन। कैमरा अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए 60 रुपीज़ और देना पड़ेगा, और व्हीकल पार्किंग तो इस हिसाब से बहुत ही सस्ता है, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो ये जो एरिया है जंगलों के बीच में घिरा हुआ है, और सामने से हमें बस पकड़ के अंदर जाना है, और वहाँ पर जाके हमें अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर के आसपास वॉक करना है, तभी जाके हम पहुँच सकते हैं। सो गाइज, ये अन्ना बता रहे हैं कि हमें अभी 2 किलोमीटर ड्रॉप करेंगे। यस, यू आर अन्ना और तंबी, आई गेस यू आर यंगर टू मी, सो यू मस्ट बी तंबी। सो इन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर हमें बस के थ्रू ड्रॉप करेंगे, एंड देन उसके बाद 1 किलोमीटर तक हमें पैदल जाना पड़ेगा, और वहाँ पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एनी एनिमल्स आर देयर इनसाइड? एनिमल्स इज इवनिंग अलोन। इवनिंग? यस। स्नेक्स? बिकॉज़ इन गोड द स्नेक वाज देयर, आई गेस। ओके, सो अभी यहाँ से हम जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे, बिकॉज मुझे वाटरफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस, यहाँ पर एकोमोडेशन भी अवेलेबल है, ट्री टॉप एसी आपको दिख जाएगा, ऐसे रूम्स मिल जाएंगे, और ऐसे राउंड टाइप रेस्ट हाउस भी है, जिसके लिए आपको 2,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अगर आप आके अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके रह भी सकते हैं जंगलों के बीच। और अट गए, सो बस ने तो हमें ड्रॉप कर दिया, और इस वक्त हम जंगलों के बीच में है। ये सामने का जो रास्ता है, यहाँ से ट्रैक करते करते हमें वाटरफॉल तक जाना है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने वाली है सर। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम वाटरफॉल के पास पहुँच गए। बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल है, आज इस बार बारिश कम हुई है, लेकिन बारिश होती है तो ये जो फॉल है ये बहुत ज़्यादा लगता है। एनीवेज, आगे जाके आप नहा भी सकते हैं, और छोटी सी ब्रिज बनी हुई है आगे, वहाँ पर जाएंगे। नहीं, गर्मी से हालत ख़राब हो गई यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो इस ब्रिज में से जाके हमें उस पार जाना है, और वहाँ पर आप आराम से नहा सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक रूम भी दिया हुआ है, तो आप कपड़े वपड़े यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।